पंजाब के मोगा में सतलुज नदी से बाढ़ के पानी से बचाने का काम जोरों से चल रहा है। इस पूरे काम का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने मोगा की हालात का जायजा लिया, साथ ही निर्देश दिए कि 30 जून से पहले इस काम को पूरा किया जाए। डिप्टी कमिश्नर सरदार कुलदीप सिंह ने बताया 2.5 करोड़ की लागत से नदी के बांध को ऊंचा किया जा रहा है, साथ ही मजबूती दी जा रही है। अगर उसके बाद भी स्थिति बिगड़ती है तो लोगों के रहन सहन खाने पीने की व्यवस्था भी की जाए। मानसून से पहले ही सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे। आइए सुनते हैं डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह को। वन में तो लेके 96 तकरीबन साडा जो स्टड लगन का काम है वह मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि उतों सतलुज की जी जो पानी का बहाव उत्थे डफ लगती सी वह साडा बड़ा फूल प्रूफ काम हो गया। उस थान के उत्ते किसी भी तरह का कोई बन टुटन का खतरा नहीं है। उसके बारे सारा कुछ अंडर कंसिडरेशन है, उदा जो भी वो बारे सर्वे तो आलमोस्ट असी कर ही रहे हैं, तो वो बारे जल्दी डिसाइड होएगा। साढ़े हल्के दे विच जी डीसी साहब आए ही कि साड़ियाँ मुश्किलां उन्होंने पुछियां दसियां। उस तो बाद जी एर के उन्होंने पहला प्रबंध करते मिट्टी पवाई जाते हैं, बहुत बहुत मेहरबानी जी इन्हां दी। पिछले सालों के जी झोने बहुत खराब होए जी, वढ़द्या वढ़ाद्या कणक भी डुबिया जी, पर हुण बहुत मुश्किल साढ़िया मल हल की जाते हैं, बन दे मिट्टी पाई जाते जी। धन्यवाद जी। ना अगे दरिया का पानी आ जाता ही बहुत, तो डीसी साहब ने सारे प्रबंध करके बहुत वधिया मिट्टी मुट्टी पवा के बन ए मुकम्मल करा दते हैं, तो हुण उन्हां दा जायजा लैण वास्ते पिंड चक्कर ला रहे हैं, तो बहुत ही डीसी साहब बहुत वधिया बंदे ने। ये थी मोगा से हमारी खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल www.voiceofindia.net।